मुझे याद नहीं कि मेरा जन्म कब हुआ। पर मुझे विश्वास है कि मैं किसी योद्धा की तलवार से उठी चिंगारी से उत्पन्न हुआ। मैं अग्नि हूं, वही जिसे देश प्रेमियों ने प्राणों की आहुति देकर पवित्र किया और जिसे ओडिशा की महान संतानों ने अपने हृदय में जीवित रखा। ओडिशा एक ऐसा दिव्य भूखंड जिसका इतिहास देखो तो इतिहास नहीं, साहस और पराक्रम की गौरव गाथा है। ओडिशा को जीतने मौर्य आए, मुगल आए, मराठा आए, पर हार जीत के परे ओडिशा सदा ही अदम्य रहा। फिर एक समय ऐसा आया जब राज्यों पर राज्य निकलता, उपनिवेशवाद का अजगर ओडिशा के खोरथागढ़ तक आ पहुंचा। खोरधा के महाराज मुकुंद देव द्वितीय अभी बालक थे और उनके दीवान और मंत्री जोई राजगुरु के कंधों पर शासन का भार था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्य पर अधिकार मांगा तो जोई राजगुरु ने उन्हें युद्ध की चुनौती दी। सन 1804 7000 अंग्रेज सैनिकों के सामने मुट्ठी भर पाइको योद्धा निर्भयता का कवच पहने खड़े थे। अंग्रेजों की जीत निश्चित थी, पर हारने से पहले रणधीरों ने ऐसा समर मचाया कि रणचंडी हर्षित हो नाच उठी। मातृभूमि ने आंचल फैलाकर एक एक सपूत का बलिदान स्वीकार किया। अंग्रेजों ने जोई राजगुरु पर मुकदमा चलाकर निर्ममता से उनका वध कर दिया। खोरथागढ़ अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। पूरे राज्य को निराशा और संशय की काली छाया ने ढक लिया। ऐसे में पाइको कुलगौरव बक्सी जोगबंधु अपने महान पूर्वजों के पुण्य प्रताप को कैसे धूल में मिलने दे सकते थे। 1817 में सबल भुजाएं फड़क उठी, इंद्र के वज्र में कंपन हुआ, काला आकाश कड़कती बिजलियों से धवल हो उठा। तेजस्वी पाइको खड़ग अपनी मयान से बाहर आई और सरदार बक्सी ने पहले स्वतंत्रता संग्राम का शंखनाद किया। पिंडी की बाहुबल इंद्र और कुर्तिबासा पाटसाहणी जैसे अनेक रणबांकुरों को साथ ले सरदार बक्सी ने छापामार युद्ध की योजना बनाई। घूमसर के कौंध आदिवासी भी साथ आ मिले। सभी सूरमा गुस्साए गजदल की तरह जंगल से निकल निकल कर अंग्रेजों के दफ्तरों, गोदामों, भवनों और खजानों पर धावा बोलने लगे। पाइको विद्रोह की क्रोधाग्नि में शत्रु ध्वज भस्म होने लगा। उसी दौरान पारड़ा खिमुंडी में सोरा विद्रोह हुआ। बणापुर, नयागढ़, दसपल्ला में क्रांति के प्रखर सुर सुनाई पड़े। केंदुझर के भुइया सरदारों ने तलवारें थामी। पूरे 10 वर्षों तक सरदार बक्सी प्रतिकूल परिस्थितियों से हारे बिना लड़ते रहे। फिर एक दिन उन्हें धोखे से बंदी बना लिया गया। पर क्रांति की आग अब दावानल बन चुकी थी, जिसे वीर सुरेंद्र साय जैसे राष्ट्रभक्तों ने जलाए रखा। वीर सुरेंद्र साय के साथ खेस गांव के जमींदार माधो सिंह, हत्ते सिंह और उनके पूरे परिवार ने जन्मभूमि का ऋण अपने प्राण देकर उतारा। कालाहांडी के रिंदो मांझी और कोरापुट के लक्ष्मण नायक ने जीते जी अंग्रेजों की तलवार को जंग नहीं लगने दिया।
देशभक्त बलिदान के ऊंचे से ऊंचे कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे, तो अंग्रेज सरकार क्रूरता और नीचता की गहरी खाई में उतरती जा रही थी। अंग्रेजों की पैशाचिक प्यास जब योद्धाओं के रक्त से ना बुझी तो उन्होंने निर्दोष जनता को अपना निशाना बनाया। कभी एम को सिम को मैदान में निहत्थे आदिवासियों पर गोलियों की बौछार की, तो कभी इरम में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते लोगों का संहार किया। इन रक्त तीर्थों पर बेकसूर लोगों की चीखें जैसे आज भी हवा में ठहरी हुई हैं। लेकिन ऐसी अनगिनत चीत्कारों और पुकारों के बीच जब बालक बाजी राउत की मासूम आवाज सुनाई देती है तो आत्मा में शूल सा उतर जाता है। अंग्रेज पुलिसकर्मियों ने कुछ प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी थी। जन आक्रोश से बचने के लिए छुपते छुपाते जब वे लोग नीलकंठपुर घाट पहुंचे तो उनका रास्ता एक नन्हे नाविक ने रोक लिया। तुमने माने सब हत्या करी, मैं तुम मानो को डगरी नदी पार करे भी नहीं। बहुत धमकाने पर भी जब 12 साल के बाजी राउत का संकल्प न टूटा तो एक निष्ठुर अंग्रेज ने दहकता हुआ अंगारा कोमल से सीने में उतार दिया। अंतिम क्षणों में भी बाजी राउत अपने साथियों को चेताता था। काल का कराल सर उत्कल जननी की संतानों को यूं ही निकलता रहा। समय बीता, सदी बदली, पर उड़िया समाज धीरज खोए बिना देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करता ही गया। बाघा ज्योतिन जैसे विलक्षण वीरों ने स्वतंत्रता संग्राम में नए प्राण फूंके। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे महामानवों ने उड़ीसा की कोख को धन्य किया। पंचशखा, पंडित गोपबंधु दास, पंडित नीलकंठ दास, पंडित गोधबारिस मिश्रा, आचार्य हरिहर दास और पंडित कृपा सिंधु मिश्रा नव क्रांति के अग्रदूत बने। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब नेताजी ने महा आह्वान किया तो लक्ष्मी इंदिरा पांडा, वीरपात्र, ब्रजमोहन पटनायक और सोमनाथ पाणिग्रही जैसे अनगिनत जोशीले जवान आजाद हिंद फौज के जाबाज सिपाही बने। वहीं दूसरी ओर मधुसूदन दास, पारला महाराजा, हरे कृष्ण महताब, रमा देवी, मालती देवी, अन्नपूर्णा देवी, पार्वती गिरी, चंद्रशेखर बेहरा और गुरुबारी मेहर जैसे अनेक नेताओं ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह को बल दिया। कांत कवि लक्ष्मीकांत ने वंदे उत्कल जननी की रचना कर पूरे प्रदेश में नव ऊर्जा का संचार किया। भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ तो बरगढ़ जिले के पनीमोरा ग्राम का हर व्यक्ति अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने बढ़ चला। ओडिशा के शेर हर मोर्चे पर तैनात थे। 1804 में शुरू हुआ महायज्ञ 1947 में जाकर सफल हुआ। क्रांति की मशाल से उत्सव के दीप जलाए गए। और मैं तो कल भी प्रकाशमान था और आज भी प्रज्वलित हूं। अगर देखो तो अमर जवान ज्योति की किसी अग्नि शिखा में मेरी लपट भी दिख जाएगी। मुझे कभी बुझने ना देना, मैं सम्मान हूं तुम्हारे पूर्वजों का, मैं ताप हूं देश प्रेम का, मैं तेज हूं अदम्य ओडिशा का।